टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करनी है, और वो ये है कि सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चिप मेकिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और रिसेंटली लास्ट टाइम एक क्वाड की मीटिंग हुई थी तो उधर ये बात हुई कि जो चिप सप्लाई चेन है उस पे ध्यान दिया जाए और उस पे फोकस किया जाए। और इंडिया जो है वो सुनने में आया है कि इंडिया ने बेसिकली रेड कार्पेट जो है वो डाल दिया है कि ग्लोबल चिप मेकर्स को, और कह दिया जनाब कि हम आपको $10 बिलियन के इंसेंटिव देंगे ताकि कंट्री की जो हाईटेक प्रोडक्शन हब बनाया जाए। ये जी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ये दो तरह के एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि जी इंडिया को वाकई जरूरत है, और एक एंगल ये है कि नहीं, इंडिया की और बड़ी सारी जरूरियात हैं, उनमें पैसा लगाना चाहिए और इनमें शायद अभी नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह के मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया कि जनाब आज चांद पे जा रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम पे पैसा लगा रहे हैं, तो ये बताएं ये क्या इंटरनल एपेटाइट है, ये क्या है, चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? देखिए, सबसे पहले तो आज आपने एक डिफरेंट टॉपिक उठाया। चलिए, आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, क्योंकि सियासत पे तो रोज बात कर लेता है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस पे भी बात करना चाहिए। अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑल ओवर टेक्निकल ही रहा है। तो आप इस पे बात करते हैं। देखिए चेम्बर साहब, अभी क्या है कि दुनिया में जो भी कंपोनेंट बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें चिप या प्रोसेसर, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं चिपसेट, जैसे कहते हैं इंटेल इंटेल प्रोसेसर 7, इंटेल पेंटियम, ये सब नाम रहे हैं प्रोसेसर्स के। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी कार, कोई भी वॉशिंग मशीन, कोई भी सेलफोन बिना चिपसेट के पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वो वाला, अगर मैं सिंपल समझो अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को, अगर गाड़ी तो आपने बना ली, इंजन कहीं और से ले रहे हो। अभी अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो चाइना से हो रहा है, उनका फ्लैगशिप इंडस्ट्री है। पर अगर आप चाइना के अंदर देखें, जैसे मोबाइल फोन उनका नंबर वन एक्सपोर्ट आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वर्ल्ड ओवर। बट अगर आप मोबाइल के अंदर जाके देखेंगे, तो आपको जो प्रोसेसर दिखेगा वो दिखेगा स्नैपड्रैगन। अब स्नैपड्रैगन का नाम सुन के तो चाइनीज चुनी सा नाम लगता है, बट स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का प्रोसेसर है। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है। इनफैक्ट 2 साल पहले $995 मिलियन का, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का उन्होंने फाइन फाइन भी लगाया था क्वालकॉम पे। अभी सेमीकंडक्टर की बिजनेस में 15 बड़े खिलाड़ी है। नंबर वन अमेरिकन है, ताइवानीज है, और ये साउथ कोरियन है। इन तीन के बीच में 50-60% मार्केट शेयर है, बाकी और प्लेयर्स है। मजे की बात यह है कि चीमा साहब, चाइना का इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नाम नहीं है। चाइना ने, आपको याद होगा, करीब 6 महीने पहले एक इनडायरेक्ट एक्विजिशन कोशिश करी थी। एक यूके के, उनकी एक होल्डिंग कंपनी थी, उसके थ्रू एक नेदरलैंड्स में चिप मैन्युफैक्चरर, वो 15वें नंबर पे आता है, उसका करीब 3-4% मार्केट शेयर है, उसको एक्वायर करने की। तब बोरिस जॉनसन साहब ने अपने एनएसए को यूज किया और उस एक्विजिशन को रोका, सेइंग इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू यूके एंड यूरोपियन यूनियन। तो वो एक्विजिशन रोका गया, आपको याद होगा, 5-6 महीने करीब पहले की बात है। हमारे नेशनल टीम पे काफी डिबेट वगैरह हुई उस पर। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर आजकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो आपको ये चिप आपके पास अपनी बननी चाहिए। अभी जो चाइना से जो हमारा एक्सपोर्ट है, करीब $50 बिलियन का अभी ट्रेड डेफिसिट है चीमा साहब। $50 बिलियन इज अ बिग मनी। उसका 30% इज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन, छोटे मोटे ये पैनल्स, ये वो। अब इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता, दूसरा जो चिप है, चिप लकी हुई आती है, बाकी टेक्नोलॉजी सारी हमारे पास है, सब कुछ है, बट अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हम करीब $25 बिलियन की वो इम्पोर्ट चिप्स इन ईयर, $25 बिलियन। और अगर हमें एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर, एक टेक्नोलॉजी हब बनना, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग हैज टू कम टू इंडिया। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट है। पहला होता है डिजाइन। आज के डेट में करीब 25,000 इंडियन इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन चिप डिजाइन, विच इज अप्रोक्सिमेटली समवेयर बिटवीन $35 to $50 बिलियन इंडस्ट्री। इसमें 25,000 इंडियन इंजीनियर्स ऑलरेडी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर काम कर रहे हैं, तो चिप डिजाइनिंग यहाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपने डिजाइन बना लिया। दूसरा पार्ट आता है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। चिप मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं, उसके मैं क्या कारण है क्या नहीं, उस पर आपको समझाता हूँ। तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये 3 बड़े प्लेयर है, इंटेल, एक है टीएसएम ताइवान का, और एक है सैमसंग। इन तीन के पास करीब करीब $188 बिलियन का मार्केट है, सिर्फ तीन कंपनियों के पास $188 बिलियन, इज अराउंड 60% 70% ऑफ द मार्केट शेयर। बाकी 12 प्लेयर बैलेंस 30-40% मार्केट शेयर में खरीदते हैं, खेलते हैं,
जिनमें क्वालकॉम है और भी काफी सारे चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब आती है बात, मान लिया हमने डिजाइन तो कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग चिप इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसे कहते हैं, क्वार्टर से क्वार्टर बदलता है, बहुत फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी, जिससे आपको एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा, भाई ये चीनी चिप क्यों नहीं बना पा रहे। देखिए, नकल करके बनाने में, जब तक आप नकल करोगे उसको सेट कर दोगे, तब तक चार और वर्जन निकल जाएंगे, तो चिप बनाने में नकल वाली टेक्नोलॉजी, जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी नहीं चलती। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक और खासियत है चीमा साहब, जो एक प्लांट लगता है करीब करीब $20 बिलियन का एक प्लांट लगता है, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक प्लांट के लिए। अगर आप ताइवान में प्लांट देखें, सैमसंग का प्लांट देखें, करीब 20 बिलियन, अगर उससे बड़ा बनाएंगे तो ये करीब 30-40 बिलियन डॉलर में भी जाएगा। अनइंटरप्टेड पावर चाहिए आपको, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, एक स्पेक ऑफ डस्ट नहीं चाहिए आपको, 20,000 मिलियन गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, और ये बहुत बड़े इलाके पे, ये जो हमारे प्लॉट कटते इंडस्ट्री के लिए उसके हिसाब से नहीं करते, बहुत बड़े बड़े मतलब ना प्लॉट कटते, उसके लिए आपके हाईवे चाहिए, एयरपोर्ट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की जो के, और आप देखिए डिजाइन कर लिया, मैन्युफैक्चर किया, इसके बाद तीसरा स्टेज आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग में दुनिया में केवल 3 या 4 कंपनियां जो जिनके पास पूरा मार्केट शेयर है दुनिया भर की टेस्टिंग का। उसके बाद आता है आप प्रोडक्शन को लोड करके इसको भेज दे, क्योंकि एनवायरमेंट, जैसे इसमें कुछ इनर्ट गैसेस चाहिए, कुछ रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, उनकी सप्लाई चाहिए, इनर्ट गैस की सप्लाई चाहिए, और ये कारखाने 24x7x365 डे चलते हैं। तो अगर हमें अपने आप को रिलायंट करना, अगर हमें आपको टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना, तो इस मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ लाना। अब सवाल ये है कि चीमा साहब, कोई आके $20 बिलियन में एक प्लांट लगता है, तो अगर हम किसी से उम्मीद करें कि भाई वो आके प्लांट लगाए, ये संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बनाए हैं, भाई हम 50% आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लेंगे। आज इनफैक्ट हमारे कल बात नहीं हो पाई, आज अच्छा हुआ हमारी ये बात हुई। आज एक जो अश्विनी वैष्णव जी है, आईटी और टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के, और राजीव चंद्रशेखर जी है जो डिप्टी मिनिस्टर है, MOS है, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है आज रिलीज किया कुछ देर पहले, बाई 2026 वी प्लान टू हैव दिस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया वर्थ $300 बिलियन। ये हमने टारगेट लिया, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमने आज रोल आउट कर दिया। सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़े स्तर के प्लॉट कटेंगे, बहुत बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर कटेगा। टू गिव यू एन एग्जांपल चीमा साहब, एक मतलब जैसे हमें ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक प्लॉट शुड कैपेबिलिटी ऑफ हाउसिंग 1 लाख लेबर्स या वर्कर्स, जिसमें 1 लाख लेबर या वर्कर रह सके, बैठ सके, जिनका उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो नॉर्मल प्लॉट कटता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं कटता। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बात हो रही, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनसे बात हो रही है, तो ऐसे स्पेशल एरिया बनाए जाए ताकि, और एक प्लग एंड प्ले मॉडल जो चाइना और वियतनाम में भी है, प्लग एंड प्ले मॉडल है, अगर आपको लगाना तो वो एरिया, वो सब कुछ सेट है, बस आप जाके लगाओ ये करो। और मजे की बात ये चीमा साहब, आज दुनिया भर से खिलाड़ी आए थे, अब मुझे ये नहीं पता जूम से आए थे या फिजिकली आए थे कि कोविड वोविड भी बड़ा हुआ है, पर इसमें चाइना नहीं था। जब राजीव चंद्रशेखर जी से पूछा गया, चाइना को नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा इतने बड़े प्रोजेक्टों में ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट जहां उनसे बात नहीं हो सकती। तो ये आज हमारी जरूरत है, ये आज हमारी नीड है, क्योंकि आज भी हम चाइना को $50 बिलियन दे रहे हैं, जो उसको हमें जीरो कर रहा है। वही नहीं, अब हमारा टारगेट है $300 बिलियन का एक्सपोर्ट, $300 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाई 2026 यहां बनाना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल डाउन द लाइन। तो जो भी उसके लिए चाहिए, और $17 बिलियन तो हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, $17 बिलियन हम कमिट कर चुके हैं टूवर्ड्स इंसेंटिव, पीपीपी पार्टिसिपेशन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। और आज हमने ये भी बोला, अगर और भी पैसा चाहिए होगा, अगर और भी जरूरत आएगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, वो भी करेंगे। और हमारा एक और इसमें मुद्दा है, जैसे जो स्टार्टअप्स है जो टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग में सपोर्ट करे या मैन्युफैक्चरिंग में करे, उनको हम इंक्यूबेट करेंगे, और केवल विदेशी मैन्युफैक्चरर नहीं, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर भी इसमें सामने आए। टाटा ग्रुप ऑलरेडी सामने आया, और एक शायद एक टेस्टिंग की फैसिलिटी लगाएगा, करीब 300 से 500 मिलियन डॉलर लगेंगे उसमें, एक मतलब अभी बहुत बड़ी नहीं है, 300 से 500 मिलियन डॉलर इस धंधे में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। टाटा ग्रुप एक फैसिलिटी भी उसने कमिट की है, तो एक पूरा सांचा जिसमें चारों फेज होंगे, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, और फिर स्पेशल कॉरिडोर, स्पेशल एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, जिससे ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो। क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग अब आप करोगे तो उसका मार्केट कभी इंडिया नहीं होगा, वर्ल्ड ओवर होगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट, मैं क्या बोलूं से, हम हिंदी में बोलते युद्ध घोष, अ क्लैरियन कॉल टू टेक चाइना हेड ऑन।
ये आज बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर आपको आपके मीडिया में भी आपको दिखेगा कि हो गया। और हमें इसराइल से, हमें ताइवान से, हमें अमेरिकन से, हम साउथ कोरियंस आर ऑल इंटरेस्टेड। और आपको ये भी पता होगा कि चाइना में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो अमेरिका या यूएसए या यूएसआर या यूके नहीं, वो ताइवान है। ताइवान इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ा जो इहाता है, इतनी बड़ी लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ताइवान में नहीं हो सकती। छोटी सी जगह, वैसे हर रात को वहां भूचाल आता हल्का फुल्का, तो मैं पहली बार गया तो मैं एक दो बार घबरा गया था, तीसरी बार मुझे आदत हो गई यार यहाँ तो रोज जाता है, टेंशन की बात नहीं है, मतलब जोक्स वन साइड। तो इसीलिए वहां ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में, ये ताइवानीज है। जैसे टीएसएम चाइनीज कंपनी नंबर टू आती है इंटेल और सैमसंग जैसे मैंने बोला था, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बोला $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है, और जितना भी उसमें पैसा लगेगा। और ये चीमा साहब, इट इज नॉट अ फैंसी प्रोजेक्ट, इट ये जरूरत है, क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी गाड़ी हो, आज तो हर गाड़ियों में वो सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपकी वॉशिंग मशीन हो, टेलीफोन हो, फ्रिज हो, हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है। इनफैक्ट इंडस्ट्री का एस्टिमेट है, इस साल वी विल नॉट बी एबल टू सेल 5 लाख यूनिट्स ऑफ कार्स बिकॉज ऑफ पॉसिबल चिप शॉर्टेज। कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स की भी शॉर्टेज है और कुछ इनर्ट गैसेस की भी शॉर्टेज है। और अब क्वाड का जो सवाल आया था, क्वाड में ये डिस्कस हुआ था भाई, जो ये डिपेंडेंस है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ताइवान का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में है, उस पर जो डिपेंडेंस है, आज भी आपने देखा होगा चाइना ने तो 29 वॉर प्लेन भेज दिया चाइना ताइवान की तरफ, ये जो डिपेंडेंस है उस पर, इट इज डेंजर टू द वर्ल्ड इंडस्ट्री। तो एक ऑल्टरनेट क्रिएट किया जाए विद इन द क्वाड मेंबर्स, वेयर इंडिया वॉज थॉट टू बी द बेस्ट सुटेड कंट्री फॉर दैट। दिस वॉज ऑलरेडी अवर विजन बिफोर क्वाड, वी हैड कमिटेड दिस। तो क्वाड के आने से एक धक्का मिल गया, एक समझौता मिल गया। देखिए, इंटेल तो आएगा ही आएगा, सैमसंग तो आएगा ही आएगा, इसराइल तो आई आ रहे हैं, और ताइवानीज ने भी बोला हम भी आ रहे हैं, और नीदरलैंड में कुछ मैन्युफैक्चरर है, कुछ यूके में है, वो सब आ रहे हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छा और बहुत ही स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव अचीव, मतलब आई हैव नॉट सीन सच अ बिग इनिशिएटिव बीइंग टॉक्ड इन इंडिया बिफोर दिस इन लास्ट 15 इयर्स। अच्छा सुमित भाई, आप ये ठीक है, हम देख रहे हैं इंडिया अपने आप को वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जी हम $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनेंगे, बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन रिसेंटली जो आईफोन असेंबलर फॉक्सकॉन है, जो 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 एप्पल ने रिसेंटली एक असेंबलर रखा हुआ इंडिया के अंदर, जो सदरन इंडिया में उनका बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसको उन्होंने प्रोबेशन पर डाल दिया है, क्योंकि वहां पे जो तकरीबन 17,000 लोग काम कर रहे थे और वहां पर तकरीबन 250-300 खवातीन जो है उनको जो खाना दिया गया, दैट वाज नॉट स्टेट ऑफ द आर्ट। नो द क्वेश्चन हियर इज कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या कैपेसिटी है? अगर आईफोन ने फॉक्सकॉन को प्रोबेशन पर डाल दिया, तो इट मींस कि सारी दुनिया देख रही है कि आप कुछ दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, कैपेसिटी किसी और चीज की है, यानी कि आप उस तरह वो चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, वो क्वालिटी। देखिए, चाइना का भी यही प्रॉब्लम है ना, क्वालिटी नहीं है। तो आप जो इंडिया है, क्या वो क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है? उतनी उसके पास रिसोर्सेज हैं? चलो ये तो हो गया ना खाने की वजह से, एंड अबव ऑल मैन पावर की बात है, असल तो वो चीज है। तो ये जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी तो आप ले लेंगे वहां से, लेकिन जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि पहला ही प्लांट उन्होंने आपका प्रोविजन पर डाल दिया है। तो ये कैसे चीजें चलेंगी जब द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं बड़ा खुश हूं आपने ये सवाल पूछा। एक और मैन्युफैक्चरर का नाम आपने सुना, विंस्ट्रॉन, एक फॉक्सट्रॉन, एक विंस्ट्रॉन है। आपको याद होगा पीछे 6-8 महीने पहले विंस्ट्रॉन के जो अहाता था, वहां 7,000 लोगों ने हमला किया था, कुछ वहां दंगा टाइप हुआ था। और ये इंटेल रिपोर्ट ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस की है और ये ताइवानीज इंटेलिजेंस का भी कहना है, दिस वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय चाइना, क्योंकि आधे घंटे बाद ग्लोबल टाइम्स ने बोला भाई इंडिया इज नॉट अ स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। जब हम जीप यहाँ बनती है, मर्सिडीज यहाँ बन के इम्पोर्ट होती है, दुनिया भर के कंप्यूटर यहाँ बन के इम्पोर्ट होते हैं, आईटी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो डिजाइनिंग का मार्केट है उसमें 25,000 इंडियंस है, वी कंट्रोल लिटरली द चिप डिजाइनिंग मार्केट। इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में बहुत पैसा लगता है, पहले इनिशिएटिव नहीं था मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, इसलिए वो नहीं डेवलप हुआ है। मैन पावर की कमी नहीं है, आज बहुत से जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो गाड़ियां है, जो ऑटोमोबाइल है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय $100 बिलियन ओवर लास्ट ईयर दिस टाइम। तो ये जो है, अगर देखिए दो तरह के, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इसको, इंजीनियर कॉन्फ्लिक्ट्स पे गार्डियन में आया था ये, जो उसमें मैंने ये चीज मेंशन की थी कि आजकल
काइनेटिक वॉर का फायदा नहीं है चीबा साहब, काइनेटिक वॉर में कुछ मिलता है नहीं। ये चीजें आप 7,000 लोगों को खड़ा करो, कोई छोटा मोटा मसला शुरू करो, स्ट्राइक करवा दो, प्रोडक्शन रुकवा दो, मुझे बताइए आधे घंटे में स्ट्राइक होता और आधे घंटे में ग्लोबल टाइम्स की अम्मा को कहां से टेलीग्राम मिल जाता कि वो तुरंत ट्विटर पर जाता है इंडिया इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। पर भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, आज दोनों प्लांट चल रहे, ठीक चल रहे, और ऐसे कई सारे प्लांट चल रहे दुनिया का। चीमा साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का जो प्लांट है वो इंडिया में है, नोएडा में, और बिल्कुल बाशान प्रोडक्शन कर रहा है। आपको याद होगा कोरोना वायरस के टाइम में एलजी के बंद बनाए प्लांट में जी गैस लीक हो जाती, उसका भी सबोटॉच का फिर स्ट्रो, ये सारे 3-4 केस मैंने बनाए थे। आपको याद होगा सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग जाती शॉर्ट सर्किट, जिससे रैम्प जो वैक्सीन का रैम्प अप का प्रोडक्शन था वो इफेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये आर्टिकल भेज दूंगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंजीनियर कॉन्फ्लिक्ट मैंने इस पर लिखा था। तो ये सारी चीजें हो रही है, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस है, क्योंकि इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए, अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए वियतनाम तो कंपटीटर है नहीं हमारा, खैर तो वियतनाम भी एक प्लेयर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना, और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं, ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें। अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्किल नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाएंगे जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, आपको जियोपॉलिटिकल घटनाएं होंगी ऐसी, जो आपने बोला बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया चीमा साहब, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूँ आपके चैनल में ऐसी चीजें और होंगी, ऐसे जो तमाशे, शगुफे और ये जो बंदर नाच होता है ये कुछ कराया जाएगा, क्योंकि ये कराना आजकल बहुत सस्ता है रादर देन ए डायरेक्ट वॉरफेयर। आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, ये दीज आर ऑल सबोटॉचेस विच आर ऑर्केस्ट्रेटेड टू ब्रिंग डाउन द इमेज, बट वी सी देम एज हर्डल्स विल क्रॉस ओवर। हमने सब हर्डल क्रॉस किए, एक्सपोर्ट्स तो हमारे $100 बिलियन बढ़े हैं ना, तो दिक्कत तो कहीं है नहीं। जी चले, ये तो एक बड़ा फैंसी सी लगता है कि जी वो चाइना हमारे खिलाफ है और चाइना हमें जो है वो सबोटाइज कर रहे हैं, ठीक है आपका एक मौकफ है, लेकिन आप, मैं आपसे एक आखिरी पॉइंट इस पे बात करना चाहता हूँ। आप सुमित साहब क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट होगा फॉर इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग, या और वो क्यों है? फॉर एग्जाम्पल क्या वियतनाम है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा, या अमेरिका है, किस पे आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी डिपेंडेंट होंगे फॉर बिल्डिंग योर ओन कैपेसिटी बिल्डिंग या अपने इंजीनियर्स बनाने के लिए? क्योंकि मैं आपके आईटी मिनिस्टर को देख रहा था, उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम पता नहीं अगले को 10-15 साल में कुछ 8,500-9,000 इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, ताकि हमारी अपनी वर्क फोर्स हो। तो ये जरा काइंडली बताइएगा इस हवाले से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है। देखिए चीमा साहब, आज के डेट में हम 15 लाख इंजीनियर हर साल वी गेट इनटू द जॉब मार्केट, 50 लाख दैट इज द नंबर, अब शायद बढ़ गया 2-3 साल से, मतलब दिस वाज अ नंबर। दूसरी बात, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री है या स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ यू नो इंजीनियरिंग है, उसमें से तक थोड़ी बहुत कम कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सकता, कोई दिक्कत है नहीं। आज हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन्वेस्टमेंट की, जो अब इस इन स्कीमों के थ्रू आ रहे हैं। आज हमारा इसराइल का गोहेड है, हमारे पास इंटेल का गोहेड है, हमारे पास सैमसंग का गोहेड है, हमारे पास यूके बेस्ड कंपनीज का गोहेड है, हमारे पास क्वालकॉम का गोहेड है, और हमारे पास ताइवान की जो कंपनी है जो नंबर 2 आती है उसका गोहेड है। अगर ये 5-6 लोग कमिट करते टू सेटअप प्लांट्स हियर एंड टू डू द इन्वेस्टमेंट, जो भी हम इनको इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, तो यहाँ मैन पावर की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, कुछ हायर एंड टेक्निकल मैन पावर उनका भी आएगा, उनके नुहा आएंगे, उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे, क्योंकि वो काफी सालों से इस बिजनेस में है।
बट जो एक मैन पावर होगा, देखिए जो एक मैन पावर होगा जो इसको चलाएगा, जो इसको रन करेगा, वो इंडियन होगा. दे माइट बी सम फ्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, व्हिच माइट बी 1% ऑफ द टोटल मैन वर्क फोर्स, व्हिच माइट कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और दीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ देयर ओन. जैसे कोई कोरियन, आप देखा यहाँ भी जापानीज प्लांट होते तो 10-20 जापानी बैठे, कोरियन प्लांट होता ऊपर के 20-30 लोग कोरियन होते हैं. ये हर कंट्री में अमेरिकन होंगे तो 10-20-30 अमेरिकन होंगे यहाँ पे. तो वो दे आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स. सो 99% ऑफ द वर्क फोर्स विल बी इंडियन. मे बी 0.1 to 1% of the workforce might be as subject matter experts. It will come from the OEMs themselves. They are all OEMs. उनके इतने साल का experience है. अब मजे की बात ये चीज़ साहब है कि these people are seeing India as an alternate. और government of India की जो policies है, जो investment है, जो commitment है, not only in manpower, not only in money, but also giving the infrastructure. और आज जो हमने vision document release किया है अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, तो उसमें clearly हमने spell out किया कि हम क्या कर रहे हैं. और सबसे अच्छी बात है इसमें, मैंने आपको बोला चाइनीज वे नॉट इनवाइटेड, और राजीव चंद्रशेखर जी ने तो साफ बोला भाई जहां ट्रस्ट नहीं है तो वहां बात करने का फायदा है नहीं. तो एक एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है. और जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज हमने फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, हमने अपने टेक्सटाइल को फ्लैगशिप बनाया, हमने अपने फार्मा को फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, तो कमी कहीं नहीं है चीमा साहब. ये है कि एक बार इनिशिएटिव आ जाए, शुरू हो जाए, हाँ झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कुछ आएंगे, कुछ लाए जाएंगे. देखिए आज के डेट में चीमा साहब, चीनी और चाइनीज वायरस जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, किसी का दोस्त नहीं है. चीनी और चीनी वायरस किसी का दोस्त नहीं. ये तो आप मान लो, जान लो और समझ लो. और हम इस हकीकत से वाकिफ हैं और इसके लिए तैयार हैं. देखिए हम अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे. आखिर सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता. आपके इरादे मजबूत हो, बाजुओं में ताकत हो, इरादा फुलादी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा. हाँ थोड़ा डिले होगा, आगे होगा, पीछे होगा, एक दो डिबेट हम ओवर कर लेंगे. जी आग कैसे लग गई, ये बंदा कैसे हो गया, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, ये सब छोटे मोटे मसले चलते रहेंगे. एंड वी आर प्रिपेयर फॉर इट. द गुड थिंग इज चीमा साहब, वी आर प्रिपेयर फॉर इट. आपको याद होगा विपिन रावत साहब ने बोला था वी आर फाइटिंग अ 2.5 वॉर. अभी एनएसए अजीत डोवल जी ने बोला था कि वॉर्स विल नॉट बी काइनेटिक. Wars will not be kinetic. We have to have a new doctrine of wars, which is going to hit us, which is economic, which is perception, which is all. चलिए ठीक है, जो जिसका जैसे काम चले, हम तो तैयार हैं साहब, हम तो जानते क्या होगा, क्या होना है. We have, this is contingency planning. It is a part of the contingency plan. We'll live with it and deal it. चले, let's see क्या होता है. देखते हैं, हम भी जो है इसको देखते हैं. ये एक obviously पाकिस्तान के लिए भी experience है. अगर पाकिस्तान इंडिया के हालात थोड़े नॉर्मलाइज हों तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत कुछ चीजें देख सकता है, सीख सकता है. वैसे तो चाइना भी बड़ी चीजें सीखने के लिए है, लेकिन हमने अपनी आंखें फिलहाल तो बंद की हुई है ये इन चीजों में. लेकिन लेट सी, मैं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं जानना चाहता था कि ये चिप मेकिंग में आइंदा, क्योंकि चिप वॉर्स हो रही है, सप्लाई चेन का मसला और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म इस इशू को उठाया गया, तो व्हाट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन दिस. सो थैंक यू वेरी मच समित भाई, हमें एक टेक्निकल और पॉलिटिकल लेंस से इस इशू को समझाने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू चीमा साहब. और अभी एक और मसला हो रहा है टेस्ला का. टेस्ला पे भी मेरा एक दो दिन में आर्टिकल आ जाएगा गार्डियन में. तो टेस्ला ने भी पीछे एक ठीक उसी तरह की जो हरकत और हिमाकत है वो शुरू की, एक पॉलिटिकल वॉर इंडिया में शुरू करने की शुरुआत की है कि एक 100% इम्पोर्टेड चाइनीज कार को यहाँ डंप करने की कोशिश हो रही थी. उस पर भी बड़ा डिबेट विबेट हुआ हमारे नेशनल टीवी. एक दो दिन में मेरा आर्टिकल भी आ जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा. तो मतलब ये सब चीजें हो रही है सर. दिस इज हैपनिंग एज वी टॉक. व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस अप? दिस इज हैपनिंग एज वी टॉक. दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस.